ग्रोसरी पण कंडीशंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या थी? प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को करता हूँ एक्सप्लेन। लिखे इसमें नंबर वन पॉइंट। अच्छा वो आईएस 41 में जब गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्रीज कराई थी मैंने, तो वो दूसरे सेक्शन में मैंने एक मतलब इसके बाद जो पढ़ाता हूँ एक समरी बनाई और वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, अगर आपको काम की लगे तो लिख लें। गवर्नमेंट ग्रांट आई एस 41 में जब पढ़ाई थी तो उसमें जो इधर वाली शाफ थी कंडीशनल वाली, राइट वाली शाम कंडीशन एक समरी बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है अगर लिखना चाहें तो, अगर अंडरस्टूड है तो ना लिखें बेशक। वैसे तो अंडरस्टूड इसके लिहाज से होगी कि आप जितने अकाउंटिंग के चीते हो चुके हैं तो वो आप अपने नॉलेज के बेस पे ही कर सकते हैं। समरी ये है कि तीन ही बातें होंगी, या तो कंडीशंस पूरी होते ही पैसे मिल गए, या कंडीशंस पूरी हुई पैसे नहीं मिले, या पैसे मिल गए कंडीशंस पूरी नहीं। अगर पैसे मिल गए कंडीशन पूरी हो गई तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, अगर पैसे मिल गए कंडीशन पूरी नहीं हुई तो पहले लायबिलिटी और बाद में लायबिलिटी से इनकम, और अगर कंडीशंस पूरी हो गई पैसे नहीं मिले तो फिर रिसीवेबल और इनकम, और बाद में जब पैसे मिल गए तो कैश और receivable. ये तीन बातें अगर नहीं लिखनी तो ना लिखें, लिखनी है मर्जी है। जी दोबारा सुन लें, पहले तीन ही बातें हैं इसमें, या तो पैसे या एसेट मिल गया और फॉरेन कंडीशन पूरी हो गई तो उसी वक्त इनकम, दूसरा पैसे या एसेट मिल गया कंडीशन पूरी नहीं हुई तो पहले लायबिलिटी और जब बाद में कंडीशन पूरी होगी तो इनकम। और तीसरा कि कंडीशन पूरी हो गई इनकम नहीं मिले, पैसे नहीं मिले तो पहले रिसीवेबल और इनकम, और बाद में जब मिल जाएगा तो रिसीवेबल क्रेडिट। जी जी बस जितना नहीं देखें, अगर गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए तो फिर तो उन पैसों ही को हमने इनकम बना लिया, बाद में अगर गाय वगैरह खरीदेंगे भी तो वो नॉर्मल खरीदने की एंट्री होगी। जिस तरह वो गवर्नमेंट ग्रांट थी या फिर मतलब कंडीशंस हैं तीन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, प्रोबेबल है कि आउटफ्लो होगा, और रिलायबल एस्टिमेट कैंडिडेट। प्रोविजन का एक रिकैप, वो जिम्मेदारी जो हमें पता है कि जिम्मेदारी है
लेकिन सिर्फ इस वजह से कि कोर्ट का केस नहीं आया तो उसको बैलेंस शीट से छुपाना नहीं है, इस वजह से बना है IAS 37 और उसमें है प्रोविजन। तो प्रोविजन वो लाइबिलिटी है जिसको अगर IAS 37 ना पूछता तो लोगों ने छुपा जाना था, क्योंकि उसकी अमाउंट और टाइमिंग अनसर्टेन है। तो अब IAS 37 कह रहा नहीं छुपाना नहीं है, उसको रिकॉर्ड करना है, यानी डेबिट कुछ ना कुछ और प्रोविजन फॉर कुछ ना कुछ क्रेडिट। कब? जब ये तीन कंडीशन पूरी हो जाए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अदर देन द पास्ट इवेंट, आउटफ्लो है कि रिसोर्सेज का होगा, प्रोबेबल है कि आउटफ्लो होगा, और लायबल एस्टीमेट। तीसरी कंडीशन का मतलब क्या है कि प्रोविजन यानी ऑब्लिगेशन की अमाउंट का अंदाजा लग सके। क्यों अंदाजे पे क्यों अगली बार? क्योंकि सर्टन नहीं है। तो तीसरे का मतलब तो जो वाहन पढ़ के लग रहा है वही है, लेकिन पहले दो पॉइंट समझा रहा हूं। इनमें पहले मैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पे बात करने लगा हूं कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होती है, और ये टेक्निकली है काफी अच्छा समझने वाला पॉइंट है। इसमें आगे नंबर 1 लिखे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में। अच्छा, कुछ अंग्रेजी लिखा के समझाऊंगा, कुछ पॉइंट कुछ पहले समझाऊंगा फिर अंग्रेजी लिखाऊंगा। सिग्नल तोड़ा तो चलान हो गया, चलान सिग्नल तोड़ने की वजह से हुआ कि पकड़े जाने की वजह से, लेकिन अगर पकड़े नहीं जाते तो फिर तो चलान ना होता। हाँ, पकड़े गए तो चलान हुआ ना, अगर निकल जाते तो फिर चलान ना होता है, गार चलान आ जाता तो फिर चलान कौन तो पकड़े जाने से हुआ। फाइन सिग्नल की वजह से हुआ है, उस जुर्म की सजा मिल सके इसकी इंप्लीमेंटेशन पकड़े जाने की वजह से हुआ है। अगर हम पकड़े ना जाते तो लकी है बच गए, वरना इलीगल काम हुआ है तो फाइन यानी चलान सिग्नल तोड़ने की वजह से। अच्छा, सिग्नल तोड़ दिया लेकिन उस वक्त बच गए, लेकिन चार दिन बाद घर में तस्वीर के साथ कि फलानी जगह सिग्नल तोड़ा था, घर में चलान आ गया। जब सिग्नल तोड़ा था उस वक्त गौर ही नहीं किया था, बस तोड़ के निकल गए थे, लेकिन जब चार दिन बाद घर में चलान आया तो इससे क्या साबित हो गया कि हमने सिग्नल तोड़ा था। तो जब बिजनेस कोई इलीगल काम करेगा और उस इलीगल काम की सजा है, पता है मिलनी है, तो इसका मतलब है देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू फेस सजा। अगर बिजनेस ने कोई इलीगल काम कर लिया और पता है कि इलीगल काम है तो सजा तो मिलनी मिलनी है, तो देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कि सजा मिलनी मिलनी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर नहीं पता था उस वक्त के इलीगल काम किया है, ईयर एंड के बाद कोई सबूत मिला, तो फिर भी ईयर एंड पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या ईयर एंड के बाद आ रही है। जैसे हमने कस्टमर को खराब चीजें बेची और हम इतने बेकार से माहौल में रहते थे कि बड़ा आम था खराब चीजें बेचना, हमें लगता था हमने क्या गलत की है, वो कोर्ट में चला गया। जब कोर्ट में चला गया और केस स्टैब्लिश हो गया कि वाकई गलत चीजें बेची हैं, और कोर्ट का डिसीजन आया कि हाँ आपने गलत चीजें बेची और आप इसको दे 10 लाख की पेनल्टी, फिर हमें रियलाइज हुआ अच्छा हमने गलत चीजें बेची थी, उससे पहले हमें रियलाइज ही नहीं हुआ था। तो गवर्नमेंट नहीं, कोर्ट का यह फैसला ईयर एंड के बाद आया बेशक, लेकिन चीजें बेच चुके थे, गलत चीजें बेच चुके थे, तो पेनल्टी देना हमारे जिम्मे बन चुका था, नहीं पता था उस वक्त, बाद में कोर्ट का डिसीजन आया। इवन देन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट ईयर एंड है या कोर्ट का डिसीजन आया तो जिम्मेदारी बन गई। क्यों है? क्योंकि वो जो सजा है उसकी वजह खराब चीजें बेचना है और वो ईयर एंड पे मौजूद था मसला। लिखे अंग्रेजी, ऑब्लिगेशन इज प्रेजेंट, obligation is present if it exists at year end, obligation is present if it exists at year end, even if the evidence even if the evidence is obtained after reporting period, अच्छा साइज में मैंने बहुत सारा कुछ समझाना है और ये बहुत टेक्निकल आई है, जागना तो आपने है क्योंकि है थ्रेटिकल, जागना तो है यार आपने है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने इसकी मिसालें बहुत ज्यादा बतानी है, तो आप अगर चाहें ना तो हर पॉइंट की जो जो मिसालें बता रहा हूं उसके कोई एक एक दो दो कीवर्ड्स जिससे आपको मिसाल याद आ जाए तो वो कुछ ना कुछ कहीं लिखते रहना, क्योंकि आप जब मिसालें भूल जाएंगे ना तो ये पॉइंट समझने फिर बाद में मिस हो जाएंगे। तो जो जो मिसालें दिया करूंगा
पूरी पूरी मिसाल लिखने का तो नहीं टाइम होगा, कुछ ना कुछ कीवर्ड्स लिखते रहेंगे, तो उसको कीवर्ड इसलिए कहते हैं कि पूरी मिसाल अनलॉक हो जाती है उससे। जैसे मैं अक्सर क्लासेस में मिसाल देता रहा हूँ, शायद आपके दौर में भी कभी दी हो, मैं ऑडिट, ये जो आप लोगों का सीए कैफ है, ये वाला ऑडिट मैं पढ़ रहा था 2001 के, यानी मैंने ऑटम 2001 में ये कैफ के पेपर फाइनल किए हैं। कितने साल हो गए? 21 साल। जाफर साहब ने सैम्पलिंग पढ़ाते हुए एक मिसाल दी थी कि जब बिरयानी की प्लेट, देग है पूरी, उसमें से प्लेट डाल के निकालें, उसमें जो बोटियाँ हैं वो पूरी देग के अंदर बोटियों का एक सैम्पल है। मैंने लिख लिया था बिरयानी की प्लेट। 21 साल हो गए इस बात को, मुझे याद भी याद है इस किताब के अंदर मैंने कहाँ उर्दू में बिरयानी की प्लेट लिखा था। ये कीवर्ड होते हैं, तो इसलिए मैं जो चीज़ें समझाता हूँ ना, आप कुछ ना कुछ कीवर्ड लिख लिया करें। दूसरा पॉइंट जी जी थोड़ी जल्दी है, ये बात थोड़ी जल्दी। अगला पॉइंट लिखें, अच्छा अगला पॉइंट लिखाने से पहले मैं आपको फिर से ये बात बताता हूं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी है। किस बात की जिम्मेदारी? हमने कोई बुरा काम किया है जिसकी सजा में कुछ खर्च करना होगा, ये खर्च करने की जिम्मेदारी। बुरा तो चलो बुरी बात नहीं है, मैं कोर्ट की मिसाल दे रहा हूँ, रिपेयर वारंटी करना तो बुरा काम नहीं है, लेकिन हम कोई ऐसी हरकत कर चुके हैं जिसकी वजह, हम हरकत कर चुके हैं जिसकी वजह से कोई खर्चा करना होगा, ये जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी ईयर एंड पे मौजूद है तो इसका मतलब है देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब चाहे हमें ये बात पता बाद में चल रही हो जब कोर्ट का फैसला है, लेकिन कोर्ट का फैसला बाद में आना इस बात का सबूत है। किस बात का? कि ईयर एंड पे जिम्मेदारी थी। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब यही है कि हम कोई हरकत कर चुके, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, हम कोई हरकत कर चुके जिसके नतीजे में अब खर्चा करना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर ईयर एंड पे ये जिम्मेदारी मौजूद है, और ईयर एंड पे जिम्मेदारी तभी मौजूद होगी अगर हम वो हरकत कर चुके होंगे, तो ही जिम्मेदारी मौजूद है। तो इसको कहते हैं देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। और पहले पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हमें ईयर एंड के बाद भी कोई सबूत मिल रहा है कि उससे कंफर्म हो जाए कि ईयर एंड पे जिम्मेदारी मौजूद थी, इसी की एक और मिसाल, ईयर एंड पे हमारी नाअहली की वजह से प्लांट में हुआ कोई हादसा, उससे वर्कर हो गए जख्मी, अब उन वर्कर्स को कंपनसेशन देनी है। ये कंपनसेशन क्यों देनी है वर्कर्स को? क्योंकि हमारी नाअहली थी तो हादसा हुआ, वो जख्मी हुए। अब बेशक उस वक्त हमने वर्कर्स को भगा दिया हो, चलो निकलो यहाँ से, और वो निकल के सीधा कोर्ट में चले गए और वहां से फिर वो ऑर्डर लेके आए हो कि हमें उनको कंपनसेशन देनी पड़ेगी, ये वाकया बेशक अगस्त में जाके हो, लेकिन कोर्ट के इस डिसीजन आने से क्या सबूत मिल गया कि हमें वो कंपनसेशन देनी थी क्योंकि हम नाअहली कर चुके थे जिसकी वजह से हादसा हुआ। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, यानी हमने कोई हरकत कर दी हुई है जिसकी वजह से कुछ खर्च करना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ये बात कुछ समझ आती है? हाँ बल्क में चीजें नहीं, आपको खराब निकल आई तो हाँ, अगर हमें उसकी वजह से चीज़ें हमने बेचनी और बेदयानी, मतलब जरूरी नहीं कि हम बुरे ही हैं, हम बेसिकली अच्छे लोग हैं, लेकिन गलती से खराब चीज़ें चली गई, वो चलेगी तो चलेगी, अगर उसके बदले हमें कुछ कंपनसेशन देनी पड़ेगी तो हाँ हमारी है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्योंकि बेशक भूले से सही लेकिन दी है ना खराब चीज़ें। इस पे इंशाल्लाह अभी आ रही है बात, मेजरमेंट में मेनली, जब अभी मैं रिकग्निशन पढ़ा रहा हूँ ना, तो ज्यादा इसमें मेजरमेंट में आएगी बात, और थोड़ी थोड़ी रिकग्निशन में भी आती रहेगी। चलिए दूसरा पॉइंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के अंदर दूसरा पॉइंट, ऑब्लिगेशन कैन बी
मैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पढ़ा रहा हूँ, उस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के अंदर एक बार लिखवा दी, दूसरी बार ये सामने लिख के देगा। ये जो ऑब्लिगेशन है ये आईएएस की नजर, हम आईएएस पढ़ रहे हैं कि लॉ पढ़ रहे हैं, हम आईएएस पढ़ रहे हैं, आईएएस की नजर में ये जिम्मेदारी दो तरह की है। या तो ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी होगी जो लॉ की नजर में भी जिम्मेदारी है, इसको कहेंगे लीगल ऑब्लिगेशन, या फिर ये जिम्मेदारी लॉ की नजर में तो जिम्मेदारी नहीं होगी लेकिन इखलाकी जिम्मेदारी होगी, उसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो जो पहला पॉइंट पढ़ा कि देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो दूसरा पॉइंट ये है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में क्या क्या जिम्मेदारी, तो वो जिम्मेदारी भी जो लॉ की नजर में है उसको भी आईएएस जिम्मेदारी मान रहा है, और वो जो इखलाकी जिम्मेदारी है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन उसको भी आईएएस जिम्मेदारी मान रहा है। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है? लीगल ऑब्लिगेशन वो जिम्मेदारी है जो लॉ की नजर में जिम्मेदारी है। इट डिराइज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, लेजिस्लेशन और अदर ऑपरेशन ऑफ लॉ। लीगल ऑब्लिगेशन वो जिम्मेदारी है जो कानून की नजर में भी जिम्मेदारी है, यानी अगर उसे पीछा छुड़ाया तो बाय लॉ इन्फोर्स किया जा सकता है। जैसे हमने कस्टमर को कहा था कि अगर तुम्हें खराब चीजें बेची, नहीं, अगर जो चीजें तुम हमें कह रहे हो जिसके पैसे हम तुमसे ले रहे हैं, अगर स्पेसिफिकेशन के अलावा चीजें बेची, अगर कोई भी खराबी निकली, हम जिम्मेदार हैं, हम तुम्हें 2 मिलियन पेनल्टी देंगे। तो अब हमें पेनल्टी देने की जिम्मेदारी क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हमने मान लिया। इसी तरह अगर किसी लोकल गवर्नमेंट का या फेडरल गवर्नमेंट का लॉ था कि अगर सरकारी कि अगर आप लोगों ने अपने वर्कर्स के लिए एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट ना रखा, और सर्टेन स्टैंडर्ड हैं, ये सेफ्टी के ना स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे ये नाम आम पब्लिक ने भी सुना होता है कि आईएसओ सर्टिफाइड, ये ना कुछ स्टैंडर्ड होते थे इंटरनेशनल कि ये स्टैंडर्ड्स मीट होने चाहिए, तो पता नहीं सेफ्टी के ये होते हैं कि नहीं होते, बाहर इस तरह के स्टैंडर्ड होते हैं। तो हो सकता है गवर्नमेंट ने कहा हो कि सर्टेन स्टैंडर्ड, हाँ बल्कि एक और बात याद आई, जब ये सब वाकया हुआ था ना एपीएस का चावल वाला जो अटैक हुआ था, उसके बाद से ना गवर्नमेंट ने हर कॉलेज स्कूल के लिए कुछ रूल्स बना दिए थे कि कैमरे होने चाहिए, गेट इस तरह का होना चाहिए, वायर जो है वो दीवारों के ऊपर वो वायर होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर गवर्नमेंट का कोई रूल था कि आपकी फैक्ट्री में खास खास स्टेप्स होने चाहिए सेफ्टी के, अगर ना हुए और कोई हादसा हुआ तो आप हर इंजर्ड को इतने इतने पैसे देंगे, ये लॉ मौजूद था। अब हमने लेजिस्लेशन मतलब लॉ जो कानून है, लेकिन हमने वो सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए, हादसा हो गया तो अब हमें क्यों उनको कंपनसेशन देनी पड़ेगी वर्कर्स को, क्योंकि कानून मौजूद था। और इसी तरह से वैसे ही किसी कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं था, वैसे ही गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया। तो लीगल ऑब्लिगेशन इन आसान अल्फाज वो है कि जो पैसे देना हमारी जिम्मेदारी, कानून की नजर में भी जिम्मेदारी, अगर पैसे ना दिए तो लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है, इस जिम्मेदारी को लीगल ऑब्लिगेशन कहते हैं। अगर कोई दोस्त हमेशा उधार आपको देता रहा और हमेशा मदद करता रहा और अब आपने पैसे मांगे और वो नहीं दे रहा, तो कोर्ट में जा सकते हैं, है? क्या बात, कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं, लेकिन बुरा भला तो कहेंगे ना, है ना, गालियां भी देंगे, बस नहीं नहीं शर्मिंदा करेंगे उसको, शर्मिंदा करेंगे। अच्छा, जिस दोस्त ने जिंदगी में कभी उधार नहीं दिया बल्कि उधार खाया है और मौके पे हमेशा वो भागा है, उससे उधार मांगेगा और वो इनकार कर देगा तो उतना ही बुरा लगेगा जितना वो पहले मिसाल वाले दोस्त से बुरा लग रहा था। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि बंदा ही नहीं सही, ये नहीं देता कभी भी उधार, लेकिन जो पहले वाली मिसाल थी कि हमेशा काम आया था, अब अगर वो इनकार करेगा तो बुरा लगेगा। क्या इस बुरा लगने पर पुलिस में केस किया जा सकता? नहीं, वैसे हो सकता है पैसे देके मार पड़वा दे उसको, ये अलग जज्बात है, लेकिन लीगली कोई एक्शन नहीं ले सकते। अच्छा, बुरा क्यों लग रहा है, क्यों सोचा था हमने? क्योंकि उसने पहले एक्सपेक्टेशन बना दी हुई थी, तो अब वो जो पहली वाली मिसाल दोस्त की है उसकी इखलाकी जिम्मेदारी बन गई पैसे देना, कानूनी नहीं है, इखलाकी जिम्मेदारी है,
और ये अखलाकी जिम्मेदारी क्यों बनी? क्योंकि उसने अखलाक दिखाए थे, उसने पहले उम्मीदें लगाई थी। अच्छा, ये तो दोस्त की मिसाल हो गई। एक कंपनी है, उनकी प्रैक्टिस ये चली आ रही है कि जब भी फैक्ट्री का कोई वर्कर जख्मी होता है, बेशक अपनी गलती की वजह से, लेकिन उसका इलाज वो करवा देते होते हैं। अगर इस बार इलाज ना करवाएं तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी अपनी गलती है। कोई है ही नहीं कानून ऐसा कि उसकी अपनी गलती की वजह से कंपनसेशन हो, फिर भी कंपनी उसका इलाज करवा देगी। ये कंपनी जिम्मेदारी महसूस कर रही होगी। क्यों जिम्मेदारी महसूस कर रही होगी? क्योंकि पास में ऐसा करते आए हैं, और वो वर्कर भी कंपनी को देख रहा होगा। वर्कर को क्यों उम्मीद लग रही होगी? क्योंकि पास में ऐसा होता है। तो इस इखलाकी जिम्मेदारी को कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कहते हैं। यानी IS 37 की नजर में अगर किसी खर्चा करने की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। अच्छा, ये मैंने शुरू में की थी बात, क्या मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? कोई वाकया हो चुका जिसकी वजह से हमें खर्चा करना पड़ेगा, इसको कहते हैं देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अब वो हमें जो खर्चा करना पड़ेगा वो क्यों करना पड़ेगा? या तो कानूनन करना पड़ेगा, या फिर हमने खुद से अपने ऊपर जिम्मेदारी डाल ली, तो फिर हमें कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है कि खर्चा करना पड़ेगा, तो उसको भी IS 37 एक ऑब्लिगेशन मानता है। इसकी अंग्रेजी की कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती क्या है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है जो एंटिटी की अपनी हरकतों की वजह से उसके सर पे आती है। फ्रॉम एंटिटीज अपनी हरकतें, अच्छा अपनी हरकतें कैसे, वेयर ये लंबी बात है, अंग्रेजी लिखवाता हूँ मैं, ऐसी मैं क्यों लिखूँ इतना सारा, आप लिखे मैं लिखवाता हूँ ज़्यादा अंग्रेजी वेयर तक पहुँचे फिर बताता हूँ। क्या नहीं, क्योंकि अगर वो लीगली इसको एनफोर्स कर, अगर वो वर्कर, अगर एक कंपनी की आदत थी कि वो हमेशा ईद पे बोनस दिया करते थे, ना कोई वादा था बोनस का और ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, ना कोई कानून था, बस हर साल बोनस देते थे। अब इस दफा अगर बोनस नहीं देंगे तो वर्कर्स मैक्सिमम गालियां दे देंगे, बस कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो कोर्ट में जाकर इन्फोर्स करा सकते होते तो फिर तो वही हो जाती। तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, नहीं लॉ नहीं कहता ये मतलब करनी है, लॉ को क्या लगेगा अकाउंटिंग क्या करनी है। यानी इसमें क्या मजबूरी है उनको? अच्छा, सवाल ये है कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जब बाय लॉ इन्फोर्स ही नहीं हो सकती तो फिर कंपनी को क्या मजबूरी है कि इसके लिए वो अकाउंटिंग करे? अच्छा सवाल है ये, इंशाल्लाह इसी IAS में ना आखिर आखिर में बिल्कुल जब मैं इसकी प्रैक्टिस करा चुका हूँ ना फिर बात करें, आएगा जवाब इसका। आगे मैं इसकी अंग्रेजी पूरी लिखवा लूँ उसके बाद सवाल, मुझे लगता है जो आप पूछ रहे हैं उसकी अंग्रेजी में है। वेयर वेयर वही वहाँ तक पहुँचे, वेयर 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 बाय एन एस्टैब्लिश्ड पास्ट प्रैक्टिस। वेयर के बाद बताया मैंने बाय एन एस्टैब्लिश्ड पास्ट प्रैक्टिस कॉमा पब्लिश्ड पॉलिसीज और इंग्लिश वाला और स्पेसिफिक करंट स्टेटमेंट। वेयर के बाद रिपीट कर रहा हूं बाय एंड एस्टैब्लिश पास्ट प्रैक्टिस पब्लिश पॉलिसीज और स्पेसिफिक करंट स्टेटमेंट द एंटिटी हैज इंडिकेटेड that it will accept ACCPT certain responsibilities यहां तक की अंग्रेजी फिर से इट डिराइव्स फ्रॉम एंटिटीज ओन एक्शंस वेयर बाय एन एस्टैब्लिश्ड पास्ट प्रैक्टिस पब्लिश पॉलिसीज और स्पेसिफिक करंट स्टेटमेंट द एंटिटी हैज इंडिकेटेड दैट इट विल एक्सेप्ट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहां तक की अंग्रेजी का मतलब या तो कंपनी की प्रैक्टिस चली आ रही थी कि हर ईद पे बोनस देना है, तो इस दफा भी लोगों ने उम्मीद लगानी
क्यों उम्मीद लगा ली? क्योंकि कंपनी की एस्टेब्लिश्ड पास्ट प्रैक्टिस थी, या फिर वक्तन फवक्तन वो पॉलिसीज इशू करते रहते थे, एचआर की पॉलिसीज होती थी, जिस तरह ये जो किसी एम्प्लॉई ने अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉई से काम लेना होता है ना, तो उनके लिए कुछ ना कुछ रूल्स पॉलिसीज बनते रहते हैं। जैसे हो सकता है कि राइज वाले अपने एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसीज बना लें, अपने एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसीज बना लें कि जिसके काम में इससे कम गलतियां होंगी तो उसको इनाम मिलेगा, एक महीने बाद वो इस पॉलिसी को बदल दें क्योंकि बेहतरी आनी शुरू हो गई। अब पॉलिसी आई कि चार इतनी गलतियां जिससे कम होंगी उसको इतना इनाम मिलेगा। अब ये पॉलिसीज हैं, ये उनके साथ जो सैलरी का एग्रीमेंट है ना उसमें नहीं लिखा हुआ, ये वैसे बस वो कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनाते हैं इंप्रूवमेंट आने के लिए, फिर पॉलिसीज बदल लेते हैं, ये पॉलिसीज होती हैं। तो अगर एक कंपनी ने पॉलिसी बनाई हुई थी कि आप इतनी इतनी गलतियां ना करें तो हम आपको बोनस दे देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर वो बोनस नहीं देंगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, कोई ये कोई कंसिडरेशन नहीं आ रही इसके अंदर, तो ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ना दे बोनस कल को मुकर जाए कि हमने तो ये कहा था कि तुम्हें अच्छा काम कर लो, बस शाबाश शाबाश जबरदस्त, वो कोर्ट में नहीं जा सकता एम्प्लॉई। ये होती है पब्लिश पॉलिसीज। इसी तरह सेठ साहब ने इस दफा ऐलान किया था, स्पेसिफिकली ऐलान किया था कि इस ईद में सबको बोनस मिलेगा, ये हो गई स्पेसिफिक करंट स्टेटमेंट। तो या तो सेठ साहब ने ऐलान किया हो, या फिर इसी तरह की पब्लिश पॉलिसीज हो, या फिर पास्ट प्रैक्टिस हो, किसी भी तरह एंटिटी हैज इंडिकेटेड कि वो कुछ जिम्मेदारियां अपने जिम्मे ले लेगी, यहां तक की अंग्रेजी का ये मतलब। एंड एज अ रिजल्ट, आगे एंड एज अ रिजल्ट एंटिटी हैज रेज्ड, एंड एज अ रिजल्ट एंटिटी हैज रेज्ड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन, एंटिटी हैज रेज्ड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन उम्मीद entity has raised a valid expectation that it will discharge those responsibilities, that it will discharge those responsibilities, company ne factory ka jo production sub area hai uske bahar gand phaila diya, jaise ye आने वाली बड़ी अभी ईद उल अज़हा आने वाली है तो उसमें क्या होगा, जगह जगह गलियों गलियों में सब जो है पोल्यूशन फैली होगी, तो कंपनी ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द के एरिया में सारी पोल्यूशन सब गंद फैला दिया। लॉ था कि आपने सफाई करवानी है, अब इस सफाई का खर्चा करना कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन, लॉ नहीं था लेकिन हम साफ मशहूर थे क्योंकि पहले सफाई करवाते आ रहे थे, तो अब वो सफाई का खर्चा करना कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, क्योंकि हमने ही पास परफॉर्मेंस से लोगों को उम्मीद दिलाई है कि इस बार भी हम सफाई करवाएंगे, तो ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। सर ऐसा कह सकते हैं बिजनेस नॉर्म्स भी हो सकती है, एस्टैब्लिश पास्ट प्रैक्टिस बिजनेस नॉर्म्स की बात हो सकती है। एक और मिसाल, वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते थे उनके एग्रीमेंट लिखा हुआ था कि साल के दो बोनस मिलेंगे दोनों ईदों के ऊपर, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, तो अब इस दफा जब ईद आ गई है तो बोनस देना पड़ेगा, लीगल ऑब्लिगेशन। और अगर कुछ एग्रीमेंट में नहीं लिखा था लेकिन वैसे ही कंपनी की 35 साल से कंपनी की प्रैक्टिस चली आ रही थी कि हर ईद में बोनस दिया करते थे, अब फिर ईद आ गई है तो अब बोनस देना कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। और मिसाल, कस्टमर को चीजें बेची थी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि 3 महीने की वारंटी है, कोई खराबी हुई ले आइएगा हम रिपेयर करके देंगे, अब हमने चीजें बेच दी, कोई भी खराबी निकली उसको रिपेयर करके देना लीगल ऑब्लिगेशन। क्यों लीगल ऑब्लिगेशन? क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, हमने दी है 3 महीने की वारंटी, कोई वारंटी नहीं है। लेकिन पास्ट प्रैक्टिस है कि जब भी कोई कस्टमर रिपेयर के लिए आता है हम अच्छे रिलेशन बनाने के लिए रिपेयर कर देते होते हैं, तो अब भी अगर हम रिपेयर करके देंगे हमारी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। जी देखें, पब्लिश पॉलिसीज जो है ना, अगर उन्होंने पब्लिश कर दिया तो पहली बात ये कि कहाँ पब्लिश कर दिया, न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में क्यों पब्लिश करेंगे अपने एम्प्लॉयज को बोनस देंगे, क्यों? मतलब ये इंटरनल चीज़ें जो है वो क्यों पब्लिश करेंगे?
पब्लिश का मतलब है जो पब्लिकली पता चल जाए, वो चीज पब्लिश्ड है जो पब्लिश, जैसे बुक पब्लिश होती है, ये बुक पब्लिश्ड है, ये जो बुक आपके पास है पब्लिश्ड बुक है क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल है। अब इसका मतलब तो नहीं कि जियो ने उस पर चलाया था, पब्लिकली अवेलेबल है ये चीज। तो कंपनी की पॉलिसीज अगर प्रिंटेड है और उनके सारे एम्प्लॉइज के पास अवेलेबल है या इवन की उनकी वेबसाइट पर भी लिखी नहीं है तो ये पब्लिश पॉलिसी है। अब उन पब्लिश पॉलिसीज कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आ रही। देखिए, एक एम्प्लॉई से तय ये हुआ है कि तुम एक महीना काम करोगे और तुमसे हम 8 घंटे रोज का काम लेंगे और तुम्हें महीने की 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, ये उससे तय हो गया। और तुम्हें मेडिकल का 20,000 तक की लिमिट है, उसके अलावा पेट्रोल तुम्हें 5,000 का मिलेगा, ये सब एग्रीमेंट का हिस्सा है। ये पैसे अगर हम नहीं देंगे तो वो हमारे खिलाफ केस कर सकता है। लेकिन उसके अलावा मुख्तलिफ हर महीने की पॉलिसीज बनाते रहना कि इस महीने में जिन लोगों ने ओवर टाइम लगाया उनको हम खाना खिलाया करेंगे, या अब एक और ऑडिट सीजन आ गया, अब कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसी बना दी कि अब जो छुट्टियां नहीं कर रहा होगा उसको हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा बोनस दे दिया करेंगे। अब इस तरह की चीजें अगर वो नहीं ऑनर करते तो नाम जरूर खराब हो रहा होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वो लीगल एक्शन नहीं हो रहा होगा उनके खिलाफ। तो इसलिए ये इसके अंदर आ जाएंगे। ईयर एंड के बाद लॉ आना, ये इंशाल्लाह आज है, ईयर एंड के बाद लॉ है, इसकी बात होने लगी आज। चले जी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के लिए ये दो बातें काफी हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मैं इसमें भी कवर कर सकता हूं उसको, लेकिन पास्ट इवेंट में चलते हैं, इसमें कवर करता हूं पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट पहली कंडीशन में से मैं आपको कंडीशंस एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। कौन सी कंडीशंस? वो जो रिकॉग्निशन की कंडीशन पढ़ी थी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, प्रॉबेबल है कि आउटफ्लो होगा टू सेटल दी ऑब्लिगेशन, और रिलायबल एस्टीमेट कैन बी मेड। तो जो रिलायबल एस्टीमेट कैन बी मेड है उसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो तो जो उसका तर्जमा लग रहा है वही है। लेकिन पहली दो कंडीशन कर रहा हूँ एक्सप्लेन, जिनमें से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को समझा दिया, पास्ट इवेंट पे करने लगा हूं बात। ये भी अच्छी टेक्निकल बात है। लिखवाता हूँ अंग्रेजी, है जी, कंडीशंस हैं, मैं कंडीशंस एक्सप्लेन कर रहा हूं। उन कंडीशंस में से मैं ना तीन वर्ड्स एक्सप्लेन करूंगा, वो जो कंडीशन लिखी है मैंने तीन चीजें एक्सप्लेन करनी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट और प्रोबेबल आउटफ्लो। पास्ट इवेंट नाम से क्या लगता है कि कोई इवेंट है जो पास्ट है, जो हो चुका। और हाँ, अभी शुरू में किसी ने सवाल पूछा था, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। अगर कोर्ट का फैसला आ चुका होता कि इतनी पेनल्टी देनी है तो अमाउंट भी पता चल जाती और टाइम भी पता होता, तो ये पक्की पक्की लायबिलिटी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनती हैं? ईयर एंड। ईयर एंड अगर 31 दिसंबर है, अगर ईयर एंड 31 दिसंबर है और कोर्ट का फैसला अगस्त नवंबर में कहीं आ चुका हुआ है तो ठीक है, जब फैसला आएगा तो एंट्री कर लेंगे एक्सपेंस डेबिट और पेनल्टी पेएबल क्रेडिट। वो जो फैसला नवंबर में आया, अगर वो फैसला ना आया होता और ईयर एंड आ गया होता तो हमें ये नहीं जरूरी करना होता कि अकाउंटेंट पल पल खबर पे नजर है, और जब अप्रैल में केस हमारे खिलाफ हुआ था तो वो वकील से ऑन कॉल था कि जो जो मूवमेंट हो कोर्ट में हमें फौरन बताएं, हमने एंट्रियां करनी है। जैसे ही वकील कोई दलील देता था अकाउंटेंट एंट्री कर लेता था, फिर अगले वकील की दलील आती थी तो अकाउंटेंट एंट्री रिवर्स कर देता था, फिर केस चल रहा था फिर एंट्री। ऐसा अकाउंटेंट को जरूरत नहीं करने की, क्योंकि एक बार मामला सेटल हो जाए जल्दी क्या एंट्रियां करने की। ये सारी अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सारी अकाउंटिंग करने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ना, तो अकाउंटेंट को क्या जल्दी एंट्रियां करने की, फैसला आ जाए तब कर लेगा एंट्री। लेकिन मसला तब आया अगर ईयर एंड आ गया और फैसला नहीं आया, अब उसको प्रोविजन की एंट्रियां करनी पड़ेगी। देखें, अगर ईयर एंड से पहले पहले केस जितनी मर्जी देर चले, जितनी मर्जी बहसें हों, तारीखें डरें, लेकिन फाइनली फैसला आ जाए तो अकाउंटेंट कर लेगा एंट्री एक्सपेंस डेबिट पेनल्टी पेएबल क्रेडिट। लेकिन प्रोविजन की जरूरत ही तब पड़ी, ये आईएएस ही तब एक्टिव हुआ कि अगर ईयर एंड आ गया है और फैसला नहीं आया तो अकाउंटेंट तो एंट्री करने के लिए फैसले का इंतजार कर रहा था,
तो अब IAS 37 कह रहा है कि नहीं अब बहुत हो गई, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का वक्त आ गया, अब तुम्हें प्रोविजन की एंट्री डालनी पड़ेगी, अब तुम इंतजार ना करो फैसले का। तो ये जो हम लोग प्रोविजन डिस्कस कर रहे हैं, इस सबकी अकाउंटिंग मेनली ईयर एंड पे ही हुआ करेगी, यानी इतनी मजबूरियां ये ईयर एंड पे ही जाके हम लोग देख रहे हुआ करेंगे। ओके वरना एक बार बेशक कस्टमर्स को कह दिया कि हम आपको चीजें बेच रहे हैं, वादा 3 महीने में कोई मसला निकला तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर कर देंगे, तो क्या अकाउंटेंट हर रोज अंदाजे लगाता रहे कितने रिपेयर कॉस्ट आएगी, प्रोविजन बनाता रहे? नहीं, जरूरत नहीं है। कब एंट्री करें? नहीं नहीं, जब जब रिपेयर आए, जब जब रिपेयर करते थे, रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन मसला तब आया कि ईयर एंड आ गया है और हमारे कुछ वादे अभी भी पेंडिंग है, तो प्रोविजन की एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसलिए इस चैप्टर में हम जो प्रोविजन सीखने लगे हैं, मेनली उसका पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? ईयर एंड। कि वो मसाइल जो ईयर एंड तक अभी भी पेंडिंग है, उनके लिए हम ये सारी फिक्रें कर रहे होते हैं, सिवाय प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, वो भी आएगी एक चीज, वो ईयर एंड का इंतजार नहीं होता, वो पहले दिन हो जाती है। उसके अलावा ये प्रोविजन हम जनरली ईयर एंड की फिक्रों में से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? अभी ईयर एंड है और उस ईयर एंड के टाइम पे हमें फिक्र हुई है कि जो पेंडिंग मामले थे उनको समेट लें। देखें कहीं सफर पे जाना है, सामान पैक कर रहे हैं, तो आस्ता आस्ता बैग में सामान तय करके समेट के रखते 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 हबड़ दबड़ कब मचेगी कि बस डालो और निकलो, बिल्कुल जब निकलने का टाइम आ जाएगा। तो इसी तरह प्रोविजन बस जबरदस्ती की पूरी कर रहे हैं चीजें, बताओ अमाउंट, बताओ कितनी अमाउंट, बस एंट्री करो क्योंकि ईयर एंड आ गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने वाली है। तो प्रोविजंस में मेनली ये फिकर सारी ईयर एंड पे हो रही है जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो पास्ट इवेंट किसको कहेंगे? हम ईयर एंड पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, पास्ट इवेंट जो ईयर एंड तक हो चुका हो, वो वाकया जो ईयर एंड तक हो चुका हुआ है, ये मुराद है पास्ट इवेंट से। ओके चलिए अब इसकी अंग्रेजियों पे आते हैं। लिखें नंबर 1 पॉइंट्स के अंदर, अभी अभी थोड़ी देर बाद बन जाएगी बात, क्लियर कर रहा हूं उस पर बात। नंबर 1 लिखें, अ पास्ट इवेंट यानी ये जो कंडीशन है ना, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, तो इसमें पास्ट इवेंट से क्या मुराद है ये समझा रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 1 है, अ पास्ट इवेंट मस्ट बी मस्ट भी बताता हूं, अभी इसके आगे अंग्रेजी लिखाता हूं। अब वो मिसालें दे रहा हूं एक दो, फिर अंग्रेजी लिखवाता हूं। वारंटी की मिसाल देता हूं, कस्टमर ने आके हमसे इंक्वायरी की, कस्टमर ने इंक्वायरी की कि फलानी फलानी चीजें हैं आपके पास, आप बेचते हैं? हमने कहा जी बिल्कुल बेचते हैं, हमने उनको जवाब दे दिया। ये वाकया हुआ जनवरी 21 में। फिर कस्टमर ने कहा अच्छा मैं वापस जाऊंगा, फिर मशवरा करके आपको ऑर्डर प्लेस करूंगा। फिर उसने वापस जाके सब बात की अपने ऑफिस में और हमें फाइनली फरवरी में ऑर्डर प्लेस कर दिया। हमने उसको चीजें सेल कर दी और वारंटी देके सेल की मई में। कल को जब वो रिपेयर करवाने हमसे आएगा तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको रिपेयर करके दें, जिम्मेदारी है ना? ये जिम्मेदारी क्यों बनी? अब आपके सामने मैंने 3 पास्ट इवेंट्स लिखे हैं, ये भी एक पास्ट इवेंट है, ये भी एक पास्ट इवेंट है, ये भी पास्ट इवेंट है, इवेंट है ना, कस्टमर आया था, इंक्वायरी की थी, एक इवेंट है और ये पास्ट है, हो चुका हुआ। फिर उसने हमें ऑर्डर प्लेस किया था, ये भी एक पास्ट इवेंट है। फिर हमने उसको सेल कर दी थी, ये भी एक पास्ट इवेंट है। मैंने आपके सामने 3 पास्ट इवेंट लिखे हैं। रिपेयर करके देना हमारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी किस वाकये की वजह से? सेल की वजह से। क्योंकि यहां तक जिम्मेदारी कोई नहीं बनी थी, चीजें बेची हैं तो जिम्मेदारी बनी। हम खड़े हैं जून ईयर एंड, तो ईयर एंड पे कोई ऑब्लिगेशन है? लेकिन पास्ट इवेंट्स तो हुए हैं, there is a present obligation as a result of past event. लेकिन कुछ इवेंट हुए तो हैं पास्ट, तो there is a present obligation as a result of past event,
वो इवेंट पास्ट हो चुका होना जरूरी है जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन हो रही थी, वरना तो पास्ट इवेंट दुनिया बनना भी है, वरना तो पास्ट इवेंट हम दुनिया में आने भी हैं, वरना तो पास्ट इवेंट हमारा बिजनेस शुरू होना भी है, लेकिन देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ये पास्ट इवेंट वो वाला इवेंट है, यानी उस इवेंट का पास्ट हो चुका होना जरूरी है, पास्ट मतलब इवेंट तक हो चुका होना जरूरी है जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन बन रही है। तो अंग्रेजी पूरी करें, पास्ट इवेंट मस्ट बी एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट, पास्ट इवेंट मस्ट बी एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट, मस्ट बी एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट। नाम से मतलब पता चल रहा है ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या, कि जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन बन रही है। तो पास्ट इवेंट में पहली बात मैंने लिखी है कि पास्ट इवेंट से मुराद है जो इवेंट तक हो चुका हो, लेकिन इवेंट तक तो बहुत कुछ हो चुका हुआ है, तो वो वाक्या हो चुका होना जरूरी है जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन बन रही है, तो होगा देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अगला पॉइंट लिखें ये मैं पास्ट इवेंट में हूं ना, एक पॉइंट अंग्रेजी बता दी, अब दूसरे पॉइंट की अंग्रेजी। ये भी अच्छा टेक्निकल पॉइंट है, इसको भी मैं आज समझाऊंगा। और अच्छा, ये जो मैं अभी इस पॉइंट को समझा रहा हूं ना, वो मैं ये पॉइंट समझाने के लिए मिसालें पक्की पक्की लाइबिलिटीज की भी दे रहा हूं। अभी हम कौन सी लाइबिलिटीज पढ़ रहे हैं, कच्ची वाली अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, जिसको प्रोविजन कहते हैं, लेकिन जो अब पॉइंट लिखवाने लगा हूं इसको समझाने के लिए मैं आपको पक्की लाइबिलिटीज की भी मिसालें दे रहा हूं, वो सिर्फ ये पॉइंट समझाना मकसद होगा। दूसरा पॉइंट लिखें, ऑब्लिगेशन इज प्रेजेंट इफ इट एग्जिस्ट्स, ऑब्लिगेशन इज प्रेजेंट इफ इट एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एंटिटीज फ्यूचर एक्शंस, इंडिपेंडेंटली ऑफ एंटिटीज फ्यूचर एक्शंस, अंग्रेजी दोबारा, ऑब्लिगेशन इज प्रेजेंट इफ इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एंटिटीज फ्यूचर एक्शंस। इसका मतलब समझ लें, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट का क्या मतलब है कि ईयर एंड पे हम खड़े देख रहे हैं तो कोई ऐसा वाकया हो चुका हुआ है जो कि एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट है और उसकी वजह से हमारे सर पे जिम्मेदारी बन चुकी है, जो कि ये भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। ये है देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अब इसको और पक्का करने के लिए जुमला है, पक्की लाइबिलिटीज की मिसालों से समझाता हूं। एक पार्टी उधार पे चीजें खरीद ली, क्रेडिटर्स, क्यों है जिम्मेदारी, क्योंकि उधार पे चीजें खरीदी थी, फंस गए, नहीं खरीदेंगे आंदा, तौबा, इनसे आंदा चीजें नहीं खरीदनी, फिर भी पैसे देने पड़ेंगे, आइंदा कभी पक्का वादा इनसे चीजें नहीं खरीदेंगे, फिर भी पैसे देने पड़ेंगे, छोड़ो यार चलो बंद करो बिजनेस चलते हैं यहां से, फिर भी पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर हम आइंदा जो भी कर लें, पास्ट इवेंट की वजह से जिस जिम्मेदारी में फंस चुके हैं वो जिम्मेदारी हमारे फ्यूचर एक्शंस पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हम फंस चुके हैं, फ्यूचर पे जो मर्जी कर लें जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ा सकेंगे, तो ही ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अगर जिम्मेदारी से जान छुड़ा सकते होते तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ना होती। मिसाल के तौर पे एक बैंक से लोन ले लिया, क्यों है जिम्मेदारी लोन वापस करने की, क्योंकि लोन ले चुके, पैसे ले चुके, आइंदा कभी लेना ही नहीं है लोन, फिर भी वापस करना पड़ेगा, बंद कर दें बिजनेस, फिर भी वापस करना पड़ेगा, तो ये है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्योंकि आइंदा हम जो मर्जी एक्शन कर लें इंडिपेंडेंट है, हमें पैसे देने पड़ेंगे, ये है इस अंग्रेजी का मतलब। अच्छा, अगर ऐसा होता कि हमने लोन लेने का अभी सिर्फ वादा किया होता, बैंक से एग्री कर लिया होता कि ठीक है हम आपसे लोन ले लेंगे, नींद आ रही है, अभी सिर्फ वादा किया होता बैंक से कि हम आपसे लोन ले लेंगे, ईयर एंड आ गया है, लोन वापस करना जिम्मेदारी है, क्यों, क्योंकि लोन लिया ही नहीं, लोन लेंगे तो वापस करेंगे, यानी लोन का वापस करना डिपेंडेंट है हमारे फ्यूचर में लोन लेने से, तो ये लोन की वापसी क्या इंडिपेंडेंट हो गई हमारे फ्यूचर एक्शन पे, हमने लोन अभी लिया नहीं है, अभी सिर्फ वादा किया है लोन लेने का, तो लोन वापस करना जिम्मेदारी बन गई, क्यों, क्योंकि अवॉइड हो सकती है, कैसे, हम लोन ले ही ना,
तो अगर कोई जिम्मेदारी हमारे फ्यूचर एक्शन से अवॉइड हो सकती है तो वो नहीं है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और अगर फ्यूचर एक्शन से अवॉइड नहीं हो सकती तो है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये इस अंग्रेजी का मतलब है। तो आप ये भी बेशक उर्दू में लिख सकते हैं कि वो जिम्मेदारी जिसमें हम फंस चुके हैं और अवॉइड नहीं हो सकती वो होती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अच्छा, यहां पर जो जो जाग रहे हैं उनको ये फौरन ज़हन में एतराज आना चाहिए कि ये तो अवॉइड हो सकती है, नहीं हो सकती है अवॉइड, लेकिन इसको करेंगे इंशाल्लाह बाद में। अभी अवॉइड नहीं हो सकती, आप ज़हन में इसी को रखें, बेशक शैतान जितने मर्जी वसवसे डाले इधर आओ इधर नहीं इधर नहीं आना, आप अभी इसको ज़हन में रखें कि अवॉइड नहीं हो सकती तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वो ऑब्लिगेशन है जो हम फ्यूचर में जो मर्जी कर लें अवॉइड नहीं हो सकती तो ही वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। ये इस अंग्रेजी का मतलब था कि इंडिपेंडेंटली ऑफ एंटिटीज फ्यूचर एक्शंस। जी नहीं, अच्छा कोर्ट ने फैसला दिया और हम उसके खिलाफ चैलेंज करें और वो फैसला कल को रिवर्स हो जाए तो वो हमारा एक्शन नहीं है, वो तो उस कोर्ट के फैसले का एक प्रोसीजर था, वो तो लॉ का एक प्रोसीजर था। वो लॉ का प्रोसीजर ये था कि आप इस फैसले को अगर चैलेंज करना चाहें तो कर दें, उसके बाद जो शक्ल निकलेगी तो ये फाइनल फैसला होगा, वो तो उस प्रोसीजर का हिस्सा था। तो अभी तो फैसला ही तो फाइनल नहीं है, यानी इसमें हमारा एक्शन नहीं है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं नहीं जा रहे, जा तो सकते हैं ना, और कोर्ट में जब जाएंगे तो वो कोर्ट में जब चैलेंज हो जाएगा तो एक्चुअली वो उसी फाइनलाइजेशन का हिस्सा चल रहा है, यानी वो हमारे फ्यूचर एक्शन पर डिपेंडेंट नहीं हुई बात। अगर लॉ तोड़ा हुआ है तो कल को फिर भी फंस जाना है हमने। बाकी रही बात कि क्या पता वकील इतना स्ट्रांग हो केस इतना कमजोर हो, तो उसका जवाब आएगा जब आपको प्रोबेबल आउटफ्लो वाली बात समझाऊंगा, ये उसमें जवाब आएगा। फ्यूचर में हम जो मर्जी कर लें जान नहीं छुड़ा सकते, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। ये बात समझ आई? इसी की और मिसालें बताता हूं। एक बस है और उस बस के बारे में गवर्नमेंट का लॉ ये है कि आपने 2025 में इस बस की दोबारा से इंस्पेक्शन करवानी होगी और फिटनेस सर्टिफिकेट लेंगे तो सड़क पे लाएंगे बस को। ये गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया। हम अभी 2022 में खड़े हैं और गवर्नमेंट ने कहा कि 2025 में इस बस की आपने इंस्पेक्शन करवानी है, जिम्मेदारी है आपकी, और उस इंस्पेक्शन पे खर्चा भी होगा। तो वो खर्चा अभी से हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? गवर्नमेंट ने कहा है कि करानी पड़ेगी। अवॉइड किया जा सकता? कैसे? हाँ जी, क्या हुआ? बिजनेस बंद कर दें तो वाइड हो जाएगा? तो इसका मतलब अवॉइडेबल है, इसका मतलब अवॉइडेबल है। बस चेंज कर लें, नई बस खरीद लें, अवॉइडेबल है। तो इसलिए बेशक गवर्नमेंट ने क्या हो सकता है बस बेच के रक्षा चला लें, बिजनेस की शक्ल बदल लें, है ना अवॉइडेबल। तो नहीं है जिम्मेदारी है अभी उस इंस्पेक्शन का खर्चा करवाना। अच्छा 2025 आ गया, 2025 आ गया, नहीं करवाई हमने इंस्पेक्शन, है जिम्मेदारी या अभी भी नहीं? आप बन गई है? हाँ, ईयर एंड आ गया, 25 का ईयर एंड आ गया, नहीं कराई हमने इंस्पेक्शन, आप बन गई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? कह रहा हूँ बन गई ऑब्लिगेशन या अभी भी अवॉइड हो सकती है? अभी भी अवॉइड हो सकती है। कैसे? देखें, गवर्नमेंट को इससे कंसर्न नहीं है कि हमारी जो बस है वो इंस्पेक्टेड होनी चाहिए, उसको इससे कंसर्न है कि सड़क पे ये बस बगैर इंस्पेक्शन के ना आए। तो हम ना लाएं सड़क पे, छोड़ दें बस, रखे चला लें, बंद कर दें बिजनेस, अवॉइड हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। 2026 आ गया, नहीं करवा रहे इंस्पेक्शन हम, 2026 आ गया। हाँ जी, अब है इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी? नहीं, अब भी नहीं, अब भी अवॉइड हो सकती है, बंद कर दें बस, रखे चला लें, तो अवॉइडेबल है ना। तो इसका मतलब नहीं है ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वो जिम्मेदारी होती है जो अवॉइड नहीं हो सकती। अच्छा, फिर आप कहें कि इस तरह तो हर जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? नहीं, ना दे क्रेडिटर को भागे जरा, बेशक इंग्लैंड चले जाएं, लेकिन अगर कानून स्ट्रांग हो, अगर कानून स्ट्रांग हो तो पकड़े जाएंगे। तो इसलिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वो है जो हमारे जिम्मे हो चुका, अब हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और जो अवॉइड हो सकता है वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। और शैतान आपको कह रहा होगा इधर उधर, ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं सोचना अभी, अभी लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, उसकी वजह है बाद में प्रैक्टिस के बाद बताऊंगा। नहीं हो जाता ना, कैसे हो जाता ना अनवॉइडेबल? नहीं, इंस्पेक्शन वाली मिसाल हो ही नहीं सकती अनवॉइडेबल।
आप वो लॉ की बात कर रहे हैं वो जो हम थोड़ी देर पहले की थी, बस थोड़ी देर उठाएंगे, बस आ रही वही बात आने लगी, वही बात आने लगी। अगला पॉइंट लिखें, पॉइंट नंबर 3 लिखें। अच्छा, जो अभी तक भी सो रहे थे वो प्लीज आप जाग जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखाने लगा, और इसको मैं समझाऊंगा और फिर इसके बारे में आपको 3 सिनेरियो बताऊंगा जो आप खुद उर्दू में लिखेंगे। पहले इसको अच्छी तरह समझ लें। यार आवाज ठीक चल रही है, डिस्टॉर्शन तो नहीं है, क्योंकि ये बार बार माइक पे लग रहा है। कल मुझे कल वाला कह रहा था डिस्टॉर्शन है, ठीक है सुन रहे हो ना पक्की बात। पास इवेंट में हूं, 2 पॉइंट लिखवा दिए, तीसरा पॉइंट लिखवाने लगा हूं, लिखवाता हूं समझ ले पहले। हमने प्लांट इंस्टॉल किया और उसकी वजह से खुदाई हुई, काफी सारा गंद फैला और वो सारा गंद फैक्ट्री से बाहर साइड में डाल दिया, उसमें काफी सारे केमिकल भी थे, यानी अच्छा खासा गंद डाल दिया। ये गंद हमने डाल दिया जनवरी 22 में, गंद फैला दिया। अच्छा, अब ये जो हमने गंदगी फैला दी, इसकी सफाई कराएंगे तो खर्चा होगा। जनवरी 22 तक ना ही कोई कानून बनाए सफाई था और ना ही हम साफ सुथरे मशहूर थे, ना कोई लॉ था कि जो भी पोल्यूशन फैलाए अपने इर्द गिर्द एरिया में वो उसको साफ करवाए, क्योंकि फैक्ट्री एरिया में ना मोस्टली इर्द गिर्द गांव वगैरह होते हैं, तो पोल्यूशन फैलती हैं तो बीमारियां फैलती हैं, तो हो सकता है कि कानून हो, लेकिन ना उस वक्त कोई लॉ था सफाई करवाने का और ना ही हमने जिंदगी में कभी सफाई करवाई थी, तो ना कोई लॉ होने की वजह से लीगल ऑब्लिगेशन और ना हम मशहूर थे साफ कंस्ट्रक्टिव, ऑब्लिगेशन भी नहीं है, ना ही साफ मशहूर थे, ना ही अभी अभी कोई ऐसा ऐलान किया था, ना कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ना लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन बाद में जून 22 ईयर एंड है, जाग रहे हैं ना, जून 22 ईयर एंड है, मार्च में नया लॉ आया, सफाई कराओ शाम, जिस जिसने गंद फैलाया सारे साफ करो। अब ये गंद वहां फैला हुआ है, वहां मौजूद है, जानवर नहीं खा गए, सब वहां गंदगी फैली हुई है। कानून आया है बाद में कि इस एरिया में जिन जिन की फैक्ट्रीज हैं वो सब अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द के एरिया को अभी साफ करवाएं, तो ये पुराना फैलाया हुआ गंद इस कानून की लपेट में आ गया, या कानून में यह लिखा है कि आइंदा आप जो कूड़ा फेंके वो साफ करें, ये उसके अंदर कवर हो गया। अब सफाई करवाना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन गई या नहीं? बन गई, अवॉइड हो सकती है? नहीं, क्यों अवॉइड नहीं हो सकती? तो वो तो पहले इंस्पेक्शन का भी कानून था, वो जो मैं भी कानून बता रहा था कि इंस्पेक्शन है बस, की इंस्पेक्शन करानी, वो भी तो लॉ ही था, वो क्यों अवॉइड हो सकता था? क्योंकि हम बस छोड़ के अगर अच्छा चला लेते तो बस इंस्पेक्ट ना करवानी पड़ती, लेकिन ये क्यों अवॉइडेबल नहीं है? क्योंकि गंद फैल चुका हुआ है, सफाई होनी ही होनी है, हम नहीं कराएंगे तो सरकार सफाई करा के हमसे पैसे निकलवा लेगी, गंद फैल चुका हुआ है इसलिए अब सफाई करवाना अनअवॉइडेबल नहीं है, ठीक है। पिछली मिसाल में इंस्पेक्शन करवाना अवॉइडेबल था, मैं मिसाल दोबारा बताता हूं, जब बस की इंस्पेक्शन की मैंने बात की थी तो वहां भी लॉ था, लेकिन वो अवॉइड हो सकता था, क्यों? रक्षा चला ले, बस बंद कर दे रक्षा, क्या तो यार रक्षा ट्रांसपोर्ट इज बाय इज़्ज़त ट्रांसपोर्ट है रक्षा। अच्छा, एक है कि हम बसें ना बेचें, चलो नई बस खरीद लें, नहीं वो तो यूज थी तो उन्होंने 2025 कहा था ना, हो सकता है नई बस खरीदे, और वो जो 2025 भी उन्होंने कहा था वो इसलिए कहा था कि 5 साल पुरानी हो चुकी होगी, हो सकता है आइंदा से हम बसें खरीदें और 3-3 साल बाद रिप्लेस कर लिया करें, हो सकता है हमें खिचकिच में पढ़ना ही ना चाहे, हो सकता है, क्योंकि ये अजीब खिचकिच होनी शुरू हो जाएगी ना, फिर सरकारी इदारे छापा मारा करेंगे, परमिट दिखाओ, टाइम जाया होगा, बेशक हमारे पास सब चीजें पूरी होंगी लेकिन तो तंग करेंगे आके, तो हो सकता है पॉलिसी बना लें कि आइंदा से 5-5 साल पुरानी बसें रखनी ही नहीं है, 4-4 साल में बेच दिया करनी है, तो हो सकता है ना अवॉइड, लेकिन ये खर्चा अवॉइड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि गंद फैल चुका है, अब सफाई का खर्चा होना ही होना है। अच्छा, अब बन गई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अब जब ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन गई तो पास्ट इवेंट क्या है?
लॉ का आना या गन फैलाना? लॉ का आना। मैंने पूछा है कि पास्ट इवेंट हम किसको कहेंगे? गन फैलाने को। क्योंकि अब लॉ का आना, बेशक तब गंद फैलाना ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं था, लेकिन लॉ आने से वो पुरानी हरकत बन गई ऑब्लिगेटिंग। लिखें अंग्रेजी, एन इवेंट मे बिकम मे गिव rise to an obligation, an event may give rise to an obligation at a later date, at a later date। लिखवाता हूं अंग्रेजी पूरी। मैंने दी है यहां मिसाल एक नए लॉ की। हो सकता है कि हमें एहसास हो गया और हम शर्मिंदा हुए और आज से अपने साथ वादा किया हो, जैसा स्टूडेंट होता है ना कि आज से पढ़ूंगा इंशाल्लाह, तो हो सकता है कि लॉ ना आया हो, बस हमने वैसे ही खुद से इरादा करके और हमने खुद से ही पब्लिक स्टेटमेंट दे दियो, यानी ऐलान कर दिया, हमने ऐलान कर दिया हो कि हम सफाई करवाएंगे, तो ये हो गया तो लीगल ऑब्लिगेशन बन गई और ये हो गया तो कंस्ट्रक्टिव। यानी पहले एक हरकत हो चुकी जो उस वक्त तो नहीं था ऑब्लिगेटिंग इवेंट, लेकिन बाद में या तो नया लॉ आ जाने की वजह से या फिर हमारे ऐलान कर देने की वजह से। अच्छा, अब अगर ये अचानक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन रही है तो ऐलान से ही बन सकती है, अब अचानक पास प्रैक्टिस नहीं आ सकती है। पास प्रैक्टिस तो पहले होनी थी ना, तो या तो नया लॉ आ जाने की वजह से या हमारे ऐलान कर देने की वजह से पुराना किया हुआ एक पुरानी हुई एक हरकत अब बन सकती है ऑब्लिगेटिंग। तो अंग्रेजी लिख रही है एन इवेंट मे गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन एट अ लेटर डेट बिकॉज ऑफ changes in law, because of changes in law, or अच्छा changes in law के साथ bracket में लिखना that is legal obligation, ये और का word काट के changes in law के साथ bracket में लिखें that is legal obligation, उसके बाद लिखें और a public statement और इसके साथ ब्रैकेट में लिखें दैट इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं, एन इवेंट मे गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन एट अ लेटर डेट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन लॉ दैट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन और अ पब्लिक स्टेटमेंट दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। यानी एक इवेंट जो पहले हो चुका था उस वक्त वो नहीं था ऑब्लिगेटिंग, वो बाद में बन सकता है ऑब्लिगेटिंग। कैसे बन सकता है? या तो कोई नया लॉ आ जाए या फिर हम खुद अनाउंस कर दें। नया लॉ आ गया तो वो पुराना डाला हुआ गंद अब ऑब्लिगेटिंग बन जाएगा और हमारी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी, या हम खुद ही सफाई का ऐलान कर दें तो वो पुराना डाला हुआ गंद ऑब्लिगेटिंग इवेंट बन जाएगा और ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें टेक्निकलिटी ये है, पांच मिनट फॉरन क्लास है अभी, फॉरन कितने बजे, जल्दी से जल्दी अगली क्लास कितने बजे मेरी FR1 के अलावा? हाँ जी, बस का अंदर टाइम है, आपके पास जवाब नहीं है इसका तो टाइम है। चलें इधर सुने, फिर यहां तक की बात समझ आ गई कि एक इवेंट जो उस वक्त मसला नहीं था बाद में लॉ आने की वजह से या हमारे ऐलान की वजह से वो ऑब्लिगेटिंग बन गया। अब आपको मैं तीन सिनेरियोस बताने लगा हूं, उन तीनों को एक एक करके मैं बार बार समझाऊंगा और आप फिर अपने अल्फाज में उर्दू में लिखेंगे, उर्दू इंग्लिश पंजाबी जैसे भी लिखना चाहें। बेस मिसाल क्या है जो अभी अंग्रेजी लिखवाई, क्या कि पुरानी किसी हरकत बाद में वो ऑब्लिगेटिंग बन गया बिकॉज या तो नया लॉ आ गया या हमने खुद अपनी जिम्मेदारी ले ली। ठीक है, बेस बात यह है। अब इस बेस बात के मैं आगे तीन सिनेरियो बना के दे रहा हूं जो आप खुद अपने अल्फाज में लिखेंगे, मैं समझाऊंगा। पहला सिनेरियो, ईयर एंड के बाद हमने अनाउंस कर दिया
ईयर एंड के बाद हमने खुद लॉ नहीं आया, हमने खुद अनाउंस कर दिया ईयर एंड के बाद हमारा अनाउंस कर देना एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट, यानी क्या हमारे ईयर एंड के बाद अनाउंस कर देने से ईयर एंड पे बन गई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? क्यों नहीं? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अनाउंस करेंगे तो बनेगी। क्या ईयर एंड पे अनाउंसमेंट मौजूद है? नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आईएस 10 में डिविडेंड के बारे में एक चीज बताई थी कि डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो जिम्मेदारी बनती है, तो ईयर एंड के बाद डिक्लेयर करने से ईयर एंड पे एडजस्टमेंट नहीं करते हैं ना? बिल्कुल कुछ वैसी सी बात है। तो अगर हम उसको ईयर एंड के बाद अनाउंस कर रहे हैं तो ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और ईयर एंड पे इसकी वजह से हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हो जाएगी। फिर दोबारा मैं आपको एक बेस पॉइंट लिखवा चुका। क्या है बेस पॉइंट? कि एक हरकत पहले हो चुकी थी, उस वक्त वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं था लेकिन बाद में बन गया। कैसे? या तो लॉ आ गया या हमने ऐलान कर दिया। ये बेस है। इसके बाद मैं तीन सिचुएशंस बना रहा हूं। पहली सिचुएशन मैंने बनाई है कि ईयर एंड के बाद हमने खुद ऐलान कर दिया, तो इस सिचुएशन का जवाब क्या है? कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और ईयर एंड पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं हो रही है। राइज नहीं ना, ईयर एंड तक है ही नहीं ऑब्लिगेशन, तो फिर वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट भी नहीं है। वो 2023 में जाके अब सफाई होगी क्या? नहीं नहीं, मैंने आपको तीसरा पॉइंट लिखाया और तीसरा पॉइंट बिल्कुल बेस पॉइंट ये है कि पहले की हुई हरकत बाद में ऑब्लिगेटिंग बन सकता है और अगर बाद में ऑब्लिगेटिंग बन गया तो बस है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये बेस बात है, लेकिन ये तब तक की बात है अगर ईयर एंड तक सब हो जाए तो। ये जो बेस पॉइंट है, ये अभी जो मैंने मिसाल बनाई थी, ये ईयर एंड तक सब हो गया तो बस सब ठीक है। लेकिन मैं तीन सिनेरियोज ये निकाल रहा हूं जिनमें से एक बात की है कि ईयर एंड के बाद ऐलान हो रहा है। तो अब इस तीसरे पॉइंट के मैं तीन सिनेरियोज अलग से निकाल रहा हूं। मेरी बात नहीं आ रही समझ? मैंने जो पॉइंट 3 लिखा है उसका बेस पॉइंट ये है कि हरकत पहले हो चुकी थी लेकिन बाद में वो बन सकता है ऑब्लिगेटिंग इवेंट। कैसे? लॉ आ जाए या हम खुद ऐलान कर दें और अब हम कह देंगे उसको प्रोविजन बन जाएगी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर ईयर एंड तक हुआ है सब, तो यानी बेस पॉइंट ईयर एंड तक सब लॉ नहीं आ जाए या ऐलान कर दें तो है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। लेकिन अब इसके बाद मैं तीन सिनेरियो अलग से निकाल रहा हूं जिसमें से पहला कहा है मैंने कि ईयर एंड के बाद हमने अनाउंस कर दिया, तो ये अनाउंस करना नॉन अंडरस्टैंड। यार सवाल ना पूछे, मैं बात पूरी कर लो ना, फिर सवाल कल पूछ लेना, क्योंकि वो पूरा माहौल बना होता है ना, बात पूरी नहीं होती, फिर से माहौल बनाना पड़ेगा मुझे। पहला सिनेरियो बेस पॉइंट क्या है कि एक हरकत हो चुकी थी, बाद में नया लॉ आने की वजह से या हमारे ऐलान करने की वजह से वो बन गया ऑब्लिगेटिंग और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। लेकिन ये बेस पॉइंट क्या है, ये कब तक का वाक्य है? ईयर एंड। ये बेस पॉइंट है कि ईयर एंड तक या तो लॉ आ चुका हो या हम ऐलान कर चुके हो तो है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये बेस पॉइंट है, ईयर एंड तक ये सब हो चुका हो, बेटा ईयर एंड वाली बात, ईयर एंड तक ये हो चुका है तो है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब तीन स्पेशल सिनेरियो ये बना रहा हूं। पहली बात ये की कि ईयर एंड के बाद हमने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी, तो ये नॉन एडजस्टिंग। दूसरा सिनेरियो, ईयर एंड के बाद कोई नया लॉ आ गया और पहले इस लॉ की कोई खैर खबर नहीं थी, तो भी ये नॉन एडजस्टिंग है। दूसरा सिनेरियो कि एक नया लॉ बराए सफाई आ गया और इसकी पहले कोई खैर खबर नहीं थी, तो भी ये नॉन एडजस्टिंग है। यानी इस सूरत में भी ईयर एंड पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं अराइज होगी। और आखिरी हाँ जी बोलूं, आखिरी आखिरी ईयर एंड के बाद, अच्छा बेस पॉइंट क्या है? ईयर एंड तक, ईयर एंड तक चाहे लॉ आ जाए चाहे ऐलान हो जाए बन गई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तीसरा सिनेरियो, ईयर एंड के बाद नया लॉ आ रहा है, ये एडजस्टिंग इवेंट है ओनली इफ ईयर एंड के बाद। तीसरा सिनेरियो ये है, ईयर एंड के बाद नया लॉ आ जाना एडजस्टिंग इवेंट होगा। क्या मतलब एडजस्टिंग इवेंट होगा? यानी ईयर एंड पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगी ओनली इफ, ओनली इफ it was virtually certain at year end, only if it was virtually certain at year end
इट वॉज वर्चुअली सर्टेन एट ईयर एंड दैट लॉ विल बी इनेक्टेड, दैट लॉ विल बी इनेक्टेड एज ड्राफ्टेड, एज ड्राफ्टेड। यानी अगर ईयर एंड पे इतनी बात पब्लिक हो चुकी थी न्यूज चैनल के अंदर चल चल के डिस्कशन हो के, और तकरीबन कंफर्म था कि बस ये ऐसे ही लॉ एज इट इज आ जाना है, तो फिर बेशक लॉ बाद में आ रहा है लेकिन फिर भी एडजस्टिंग है, और क्या होगा फिर ईयर एंड पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।